जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल अकेडमी में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, किन का जो स्कोर है वो सेफ जोन में है या नहीं है। इससे पहले भी हम बहुत से एआरओ के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके एआरओ की कट ऑफ का आइडिया क्या रह सकती है, तो आप प्रीवियस पिछली वीडियोस जाकर हमारे इस चैनल पर चेक कर सकते हैं। और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कट ऑफ से लेकर रिजल्ट से लेकर आगे डॉक्यूमेंटेशन तक पूरी की पूरी जानकारी इस चैनल पर दे दी जाएगी। भाई अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गया एआरओ, जयपुर और अल्मोड़ा एआरओ, इनकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या है, किनका फाइनल सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अपना जो सेफ स्कोर है वो चेक करिए कितना है आपके एआरओ। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, पिछली बार 2023 के अंदर क्या हुआ था। 457 जीडी के अंदर वैकेंसियां थी। ये जीडी की वैकेंसियां हैं भाई, ये टेक्निकल की वैकेंसियां हैं और ये 8th पास ट्रेड्समैन, ये 10th पास ट्रेड्समैन है भाई। 457 गया के अंदर टेक्निकल 179, 16 8th पास और 10th पास ट्रेड्समैन 55। ठीक है, अगर बात करें भाई आर्मी जीडी की कट ऑफ क्या गई थी, ये 165 के लगभग भाई, 165 प्लस या 165 के लगभग कट ऑफ रही थी। थोड़ा बहुत दो तीन नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन गया एआरओ के अंदर पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 165 या 165 से दो तीन नंबर ऊपर नीचे रही थी गया एआरओ के अंदर। तो अब की बार कट ऑफ क्या हो सकती है आर्मी जीडी के अंदर गया एआरओ की। भाई गया एआरओ की बात करें तो अब की बार कट ऑफ की जो संभावना है वो यहां पर ये लग रही है कि आपकी कट ऑफ 157 से लेकर 162 के बीच में रह सकती है। भाई गया एआरओ के अंदर फाइनल कट ऑफ 157 से लेकर 157 या आप इसको 155 कर लीजिए भाई, 155 से लेकर 160, 155 से लेकर 160 के बीच में फाइनल कट ऑफ रह सकती है गया एआरओ के अंदर। भाई गया वाले ध्यान से देखिए, आर्मी जीडी 155 और 165 के बीच में आपके एआरओ की फाइनल कट ऑफ जा सकती है, ये हमारा आइडिया है। बाकी रिजल्ट आने पर प्रॉपर क्लियर पता चलेगा भाई। ठीक है, अब हम जयपुर एआरओ की बात करते हैं। जयपुर एआरओ के अंदर पिछली बार जीडी के अंदर इतनी वैकेंसी थी, टेक्निकल में भी अच्छी वैकेंसियां थी, ट्रेड्समैन के अंदर वैकेंसियां ना के बराबर थी। भाई कट ऑफ की बात करें तो जयपुर के अंदर पिछली बार 160 के लगभग कट ऑफ आर्मी जीडी की रही थी, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये आइडिया था। 160 के लगभग कट ऑफ जयपुर के अंदर रही थी, तो अब की बार कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ का आइडिया ही सेम कट ऑफ जा सकती है भाई, 155 के लगभग, 155 के लगभग कट ऑफ रह सकती है। 155 से दो तीन नंबर ज्यादा हो सकती है, दो तीन नंबर कम हो सकती है, ये जयपुर की कट ऑफ अब की बार आर्मी जीडी के अंदर जा सकती है भाई। अल्मोड़ा की बात करें 816 बहुत ज्यादा वैकेंसी आर्मी जीडी के अंदर, टेक्निकल ट्रेड्समैन के अंदर बहुत कम। तो हम बात करें जीडी की कट ऑफ क्या रही थी भाई, जीडी कट ऑफ 140 के लगभग या 140 से 145 के लगभग कट ऑफ अल्मोड़ा के अंदर रही थी आर्मी जीडी की कट ऑफ। अब की बार कट ऑफ क्या जा सकती है अभी, कट ऑफ अब की बार फिर से 140 या 140 से बस 140 के लगभग रहेगी, इससे कम भी हो सकती है दो तीन नंबर या दो तीन नंबर इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इन तीनों एआरओ की आर्मी जीडी की कट ऑफ आपको बता दी है। अगर आप हमारी इस बात से आप अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछली बार कट ऑफ ये रही थी और जो मैंने बताया कट ऑफ ये रह सकती है, अगर आप संतुष्ट हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर कर लेना है। टेक्निकल की अगर वैकेंसियां पहले जितनी आ जाती हैं, अच्छी वैकेंसियां आती हैं, यहां पर जैसे वैकेंसियां अच्छी थी, अगर फिर से टेक्निकल की इतनी वैकेंसियां आती हैं तो यहां पर टेक्निकल वाले जिनके 30 के लगभग या 30 से 34 के लगभग क्वेश्चन ठीक हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतनी वैकेंसी आती है। अगर वैकेंसियां कम हो जाएंगी तो टेक्निकल की जो कट ऑफ वो 35 प्लस चली जाएगी। अगर इतनी आती हैं तो 30 और 34 के बीच में जिनके क्वेश्चन ठीक हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है टेक्निकल ट्रेड के अंदर भाई। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी आप किस एआरओ से हैं और अपने पिछली बार की वैकेंसियां कट ऑफ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, नमस्कार।